गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी में गिनती, वो कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। पर पहले बच्चों, आपको मेरे पीछे 1 से 10 तक गिनती बोलनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, तो मैं वस्तु लेके ये गिनती करने वाली हूँ, तो आपको भी वस्तु लेके वही गिनती करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे पास एक पेंसिल है, तो मैंने ये पेंसिल बॉक्स में डाली, तो बोलो एक। एक उसके बाद मैंने और एक पेंसिल ले ली, तो मेरे पास हो गई 2 पेंसिल। कितनी हो गई? 2। बच्चों, फिर से मैंने और एक पेंसिल ले ली, इसमें ना ये हो गए 3। 3। बच्चों, फिर से एक पेंसिल ले ली, वो भी बॉक्स में डाली, फिर हो गए पेंसिल 4। 4। बच्चों, उसके बाद और एक पेंसिल डाली, अभी हो गए 5। 5। फिर 5 के बाद 6। 6। फिर 6 के बाद 7। 7। 7 के बाद 8। कितने हो गए? 8। 8 के बाद 9। 9 अभी हो गए 10। देखो बच्चों, अभी हमारे बॉक्स में कितने पेंसिल्स हैं? 10। तो बच्चों, आपको अभी क्या करना है, 1 से 10 तक अंक कैसे लिखते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो चलो, आपको भी पेंसिल और बुक लेके बैठना है, और पहले आपके बुक में आपको एक गोल निकालना है और उसको नीचे थोड़ा सा खींचना है। समझ में आया बच्चों? फिर से देखो, आपको एक गोल निकालना है और उसको नीचे लेना है। ये हो गया हमारा अंक 1। अंक हो गया 1। तो बच्चों, अभी 1 के बाद हम 2 कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, एक आधा गोल, फिर उसकी आगे पूंछ। फिर से देखो बच्चों, एक आधा गोल निकालने के बाद उसकी आगे पूंछ, ठीक है। आपको उसकी पूंछ निकालनी है। ये हो गया अंक 2। बोलो अंक 2। बच्चों, उसके बाद हम 3 कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों, आपको पहले आधा गोल निकालना है, फिर दूसरा आधा गोल, फिर उसकी भी आधी पूंछ। बच्चों, फिर से देखो, आधा गोल, फिर आधा गोल, उसकी आधी पूंछ। ये हो गया हमारा अंक 3। 3 बच्चों, उसके बाद हम निकालेंगे नंबर 4। 4 तो देखो, 4 नंबर को पहले तिरछी रेखा, फिर आधा गोल, फिर से तिरछी रेखा। बच्चों ध्यान से देखो, फिर से तिरछी रेखा,
एक गोल, फिर से तिरछी रेखा, मतलब आपको यहां से पेंसिल बिल्कुल उठानी नहीं है। समझ में आया? ये हो गया हमारा अंक चार। उसके बाद हम अंक निकालेंगे पांच। तो बच्चों पांच को आधा गोल निकालना है और वो ऊपर देख रहा है, फिर उसके बाद एक खड़ी रेखा, एक छोटा सा आधा गोल। समझ में आया? तो देखो फिर से एक आधा गोल जो ऊपर देख रहा है, फिर खड़ी रेखा, एक छोटा सा आधा गोल। ये हो गया हमारा अंक पांच। तो बच्चों पांच के बाद आता है नंबर छ। तो हम छ ये अंक कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो एक आधा गोल, फिर से आधा गोल, उसकी अगली पूंछ जैसे हम तीन निकालते हैं उसके बराबर अपोजिट्स क्या आता है? सिक्स नंबर छ। तो उसको फिर से देखो, आधा गोल, फिर से आधा गोल, उसकी आगे पूंछ। ये हो गया हमारा अंक छ। उसके बाद हम निकालेंगे सात नंबर। तो बच्चों आपको एक आधा गोल निकालना है और उसको अंदर छोटा सा गोला देना है। समझ में आया? फिर से देखो, एक आधा गोल और फिर से अंदर एक छोटा सा गोल। ये हो गया हमारा अंक सात। सात। तो बच्चों उसके बाद हम देखेंगे आठ। तो आठ को देखा है एक तिरछी रेखा और एक आधा गोल। समझ में आया? देखो बच्चों, एक तिरछी रेखा और एक आधा गोल, ये हो गया हमारा नंबर आठ। तो बच्चों आठ के बाद आता है नंबर नौ। तो नौ को कैसे निकालना है वो देखेंगे। बच्चों एक गोला निकालना है और उसको नीचे खींचना है ऐसे। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा अंक नौ। फिर से देखो बेटा, एक गोला थोड़ा सा खींचे खींचना है ओके। तो ये हो गया हमारा अंक नौ। उसके बाद हम अंक निकालेंगे दस। तो दस को क्या करना है, हम जो एक निकाल लेते हैं तो एक निकालना है, उसके बाजू में एक गोला देना है। तो देखो एक नंबर निकालना है और उसके बाजू में एक गोला देना है। ये हो गया हमारा दस नंबर। देखो बच्चों फिर से एक अंक निकालना है और एक गोला देना है। ये हो गया हमारा नंबर दस। तो बच्चों अभी फिर से मैं बोर्ड के ऊपर सारे नंबर्स लिखते हूँ, वो आप ध्यान से देखो। देखो बच्चों अब फिर से आपको बोलना है मेरे पीछे। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, छ, छ, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, और उसके बाद दस। तो बच्चों ये है हमारी एक से द।
10 तक गिनती, ये आपको आपके बुक में लिखनी है। तो बच्चों आपको ये गिनती समझ में आई होगी। तो बच्चों चलो, थैंक यू, बाय।